थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बैड कॉप है। हाँ, ये कॉप भी बैड कॉप ही है, कॉप भी है, मैं सिर्फ बैड हूँ। आप सिर्फ बैड हैं, आप क से कस्बे हैं और मैं क से कर। गुलशन जी आप ही बताइए, बैड कॉप के अंदाज में आप दिखाई देने वाले हैं, अभी तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया, ये भी नहीं पता है कि कब आ रहा है, थोड़ा सा बताइए कि। गुड कॉप कर लिया मैंने वो दूसरे वाले शो में, तो इसमें बैड कॉप कर रहा हूँ। अच्छा लगा मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मनोरंजक कहानी है, मनोरंजक किरदार है। और आप इनको टाइगर श्रॉफ के अवतार में देखोगे। एक्शन किया मैंने, इन्होंने जिस तरह का एक्शन किया ना इसमें, टाइगर टाइगर कोई नहीं कर सकता, इन्होंने खतरनाक एक्शन किया है। अब फिर मतलब इल्जाम आप पे लगता है, कोर्ट ये दे देते हैं निकाल के। मैं डायलॉग राइटर हूँ, मेरा लाइन कोर्ट की तरह निकलता है। नहीं नहीं भाई, एक्शन करना मुश्किल था काफ़ी मेरे लिए। आदित्य दत्त जिनके साथ मैंने पहले भी एक फिल्म किया हुआ है कमांडो 3 में, उनका खलनायक था, यहाँ पे उनका नायक हूँ, तो वो तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि एक्शन करना है, उसके लिए एक एंड्योरेंस चाहिए बॉडी में, जो जिसके लिए परिश्रम करना पड़ा, लेकिन हाँ काफ़ी मुश्किल तो था। एक दिन तो उन्होंने उसको भगा भगा के एक दिन नहीं, बहुत कई सारी रातें मैं और कई सारे दिन भाग भाग के मैं, मेरा तो भाई पानी निकाल दिया उन्होंने, लेकिन मज़ा बहुत है, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, देखने में भी खतरनाक, वेरी एंटरटेनिंग, रोल भी बहुत ही एंटरटेनिंग था, सीन्स भी बहुत मज़ेदार लिखे हुए थे। और मुझे ना ऐसे वैरायटी पसंद है कि वो वाला कर लिया एकदम रियलिस्टिक जोन में, कर लिया कुछ ये अपने रोहित शेट्टी जोन में भी कर लेते हैं, लेकिन इसको मैं कैसे करूँगा, वो मेरे लिए हमेशा रोमांचक होता है। खाली बैठा था आप तो। नहीं नहीं, आप तो साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में, सब जगह हर भाषा में फिल्म करता हूँ। नहीं नहीं, लेकिन नहीं, मुझे बहुत मजा आया, मुझे रोल करने में बहुत मजा आया, फाइट सीन्स करने करते हुए। फाइट सीन्स तो इसकी वजह से कर पाया मैं, बिकॉज मेरी जब कर रहा था फिजिकल फिटनेस का मेरा लेवल उतना नहीं था, तो ये भाई साहब थे, इतना आदित्य दत्त के साथ काम कर चुके थे, इन्होंने मुझे बताया जब मुझे मार रहे तो कैसे मार खानी है, कैसे गिरना है, तो वो सब ये करते, मेरे को हेल्प करता था लिटरली स्टेप। तो इसका जो ट्रेनिंग हुआ आदित्य के साथ, इसने मेरे को बहुत हेल्प किया एक्शन सीन्स में, नहीं तो मेरे बस का है नहीं एक्शन सीन करना। हाँ, वो मैंने हेल्प किया, नहीं तो नहीं होता मुझसे नहीं होता, कैसे मार खानी है और कैसे पिटना है और कैसे मारना है, तो मेरी काफी हेल्प ये करता था स्टेप वाइज, बिकॉज सीन्स तो अच्छे से कर देते हैं, एक्शन करना इनके लिए एक्शन मिले थोड़ा मुश्किल है। यार देखो, इजी तो कुछ भी नहीं होता, सिंसियरली सब कुछ करना पड़ता है। मैं चाहे डायरेक्शन करूं, प्रोडक्शन करूं, कुछ भी, मैं काम सिंसियरली करता हूं, मतलब मैं अपने आप को उस लेवल का एक्टर मानता ही नहीं हूं जो जिनके साथ मैं काम करता हूं। क्या ना कि कई बार क्या होता है, कई लोग की एक पर्सनैलिटी होती है, जो कहीं एक पर्सनैलिटी और कैरेक्टर जब मिलते हैं तो वो चीज़ वर्क कर जाती है, इसमें शायद वो हुआ। हाँ, मैं अगर एज ए डायरेक्टर देखो, मैं खुद को कभी कास्ट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसमें कुछ हुआ और कुछ हो गया, बट द थिंग इज एनी डे आई प्रेफर टू डायरेक्ट एंड राइट, प्रोड्यूस करना भी मेरे लिए बहुत भारी काम है, मजबूरी में करना पड़ता है, मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी फिल्मों से लोग डर जाते हैं। नहीं नहीं, एक फिल्म आपने मेरे लिए, मेरे साथ भी प्रोड्यूस किया है जिससे डरेंगे नहीं लोग, बच्चों की फिल्म की है आपने, येलो बूट्स, लिटिल थॉमस, लिटिल थॉमस आएगी, आगे आएगी, एक फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है, लेकिन प्रोड्यूस में मतलब अलग लेवल पे करता हूँ, वो मैं काम करने वाले असली लोग कोई और होते हैं, मैं बस पीछे खड़ा नहीं, नहीं, वैसी वाली डरावनी फिल्म नहीं है ये, मैं बच्चों वाली फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे कि आप पहले भी काम कर चुके हो एक साथ, लेकिन आप बतौर एक्टर थे और आप बतौर डायरेक्टर थे, लेकिन इस बार दोनों एक्टर
तो उस टाइम क्या कुछ चेंजेस लगा था और अब आप जब दोनों एक्टिंग, पहले इनसे कोई बातचीत ही नहीं होती थी, ये हमेशा आके सीन डायरेक्ट करते थे, बहुत छूट देते थे जब ये डायरेक्टर थे कि हाँ ये सीन तुम्हारा है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको कैसे निभाओगे वगैरह, बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देते थे और करने देते थे एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर, और कई बार इंटेलिजेंट भी हो जाते थे, 12-12 मिनट का टेक दे ले रहे हैं, ये एडिट में फंसते ठीक है तो, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। मुझे पहली बार ऐसा मुझे लगा कि अनुराग और गुलशन बैठ के बात कर सकते थे सेट पे, वो मौका मिला उसको। मैंने शॉट्स के बीच में टाइम था, एक्शन डिजाइन करने में टाइम लगता है, बहुत बहुत बातचीत की, वो मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले इन्होंने मुझे मेरा पहला मौका दिया था, अच्छा मौका दिया था, मुझ पर भरोसा भी किया, फिर मेरे दोस्त से शादी की इन्होंने, तो फिर वो एक रिश्ता अलग था फिर है ना, वो हो जाता है ऐसे, तो रिश्ते बदलते हैं, फिर एक दूरी आ गई क्योंकि वो उनकी शादी टूट गई, वो आपस में फिर उनकी दोस्ती वापस शुरू हुई, तो हमारे, लेकिन कभी ऐसे बातचीत मिलके बैठ के बात नहीं करते थे, लेकिन इस बार वो एक मौका मिल गया बैठ के, खूब सारी बातें की, बहुत सारी चीजों के बारे में, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद साथ में टाइम, बिकॉज़ आई थॉट आई कैन नेवर हैव अ कन्वर्सेशन विद अनुराग कश्यप, तो बट आई कुड, सो दैट आई एंजॉयड। जो भी बोलता है बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनको, क्योंकि मेरा पहला मौका दिया था, जो जितना भरोसा इन्होंने मुझ पे और अपने एक्टरों पे, एक्टरों को देते हैं, इट्स अ गिफ्ट, तो इतना भरोसा कोई डायरेक्टर इतनी आसानी से देता नहीं है, सो आई एम वेरी इंडेटेड, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज इन्होंने दिया बतौर डायरेक्टर एंड एज प्रोड्यूसर ऑल्सो, हंटर प्रोड्यूस किया था इन्होंने। मतलब कह सकते हैं अनुराग जी बतौर डायरेक्टर थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं, नहीं है कुछ स्ट्रिक्ट, मैं कुछ स्ट्रिक्ट नहीं होता हूं, मैं ना एज अ प्रोड्यूसर ना एज अ डायरेक्टर, अनुराग इज अनुराग, मैं मुफट हूं, ऐसे ही ऐसे घुस के जो इन्होंने बोला था ना यही है अनुराग, मैं मेरा फिल्टर नहीं है कुछ, और तुम लोग उसका बहुत सबसे ज्यादा फायदा उसका तुम लोग उठाते हो, मुझे पता है। लास्ट क्वेश्चन, इवन जैसे कि आपने बोला मैं डायलॉग राइटर भी हूं तो मैं सुनाई निकलता, अगर राइटिंग या स्क्रीन राइटर की बात करें तो मूवी जब बनती है तो कहीं ना कहीं राइटर्स का नाम को इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं दिया जाता है, कभी कभी पता भी नहीं रहता राइटर्स कौन है, तो आपका, मेरे को वो टी शर्ट पहन के आनी चाहिए थी रिटन बाय कादर खान, नहीं मतलब आपको क्या लगता है कि राइटर्स का कितना अहम पार्ट, बहुत बहुत अहम पार्ट होता है फिल्म में, सबसे इम्पोर्टेंट पहले राइटर होता है, दूसरा एडिटर होता है, फिर डायरेक्टर होता है, तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सिनेमाटोग्राफर सब इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं वही बताऊँ, अच्छी फिल्म सब मिलके बनाते हैं, खराब फिल्म सिर्फ डायरेक्टर बनाता है, तो मेरी जितनी घटिया फिल्म है वो सिर्फ मैंने बनाई है, जो अच्छी फिल्म है सबने मिल के बनाई है। अकॉर्डिंग टू यू अनुराग जी, लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट, अब आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके अलावा आप इंडस्ट्री में विलेन किसे बहुत पसंद करते हैं, ये विलेन के अंदाज में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक्टिंग, हमारे असली विलेन इस देश के पर्दे पे नहीं है, पर्दे के परे, वो सवाल कुछ पूछ रहा है, अब जवाब कुछ और दे, अबे लगा लो, अभी हीरो विलेन वाला टाइम चला गया, अभी सब ग्रे है, हीरो है, एंटी हीरो है, लोग हैं, ऐसे अभी कुछ नहीं है, वो जमाना अलग था जब विलेन कर लेता था, विलेन में डेन होता था, मैं दोनों कर लेता हूँ अच्छे से, है ना, ये बोलेंगे नहीं, मुझे लोग सिर्फ विलेन की तरह देखते हैं, और मुझे लोग अक्सर विलेन के रोल में ही देखते हैं, और मुझे पता नहीं क्यों विलेन के रोल में देखते हैं, और हीरो में बनना नहीं चाहता, मैंने कहा मैं उसे अच्छा किसी का बाप बना दो, भाई बना दो, उसमें ज्यादा खुश, मेरे से एक्शन नहीं होता, मैं उस उम्र में भी नहीं हूँ और उस फिजिकल स्टेज में भी नहीं हूँ कि मैं एक्शन कर सकूँ, लेकिन बहुत एक्शन कराया मेरे से इस बार, और ये लीना जी बैठी हैं, लीना जी हाँ, इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे को एक्टिंग कराया, नहीं इमोशनल ब्लैकमेल वेपनल कुछ नहीं है, अपने दोस्त के लिए किया आपने, तो उन्होंने थोड़ा साथ दिया, थोड़ा सा इतना कुछ तो बोल दिया उन्होंने ऑलरेडी। आप कॉप के अंदाज में किसे आप देखते हैं, लाइक कॉप तो हम हमारे इंडस्ट्री में अच्छे से देखते हैं, आपको कौन पसंद है? पता नहीं यार, वो अलग अलग रोल में, मतलब सिंघम देखा था तो अजय देवगन अच्छे लगे थे मुझे, और
उससे पहले अर्ध सत्य देखा था तो ओमपुरी अच्छा लगा। ओमपुरी, जंजीर का अमिताभ बच्चन, वो सारे अलग अलग किरदार हैं। सत्य का ओमपुरी, सरफरोश का आमिर खान। हाँ, आमिर खान। कॉप तो नौकरी होता है ना, पर्सनैलिटी नहीं होता है ना किसी का। दबंग का सलमान खान। तो कॉप का पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकता है, जैसे दो पर्सनैलिटी से कॉप मैं खुद कर रहा हूँ, बैड कॉप में कर रहा हूँ, और देवीलाल सिंह बना था वो अलग पर्सनैलिटी है। तो कॉप पर्सनैलिटी नहीं होता है किसी का, चरित्र नहीं होता है, नौकरी है। हाँ, वो नौकरी है। सो लेकिन ये सारे जितने भी नाम मैंने लिए, इन्होंने लिए, वो सारे, उन सब ने बहुत मज़ेदार ढंग से कॉप का किरदार निभाया। चलिए, रिलीज डेट तो अभी हमें शायद पता नहीं है क्या एग्जैक्ट डेट है, लेकिन आप अगर बता सके कि ये कब तक आ जाएगी। एंड मालूम नहीं इनको, पता है हाल फिलहाल में आ जाएगी। काफी हमारा स्टूडियो के इश्यूज जो सॉर्ट आउट हो रहे थे, जो सब जग जाहिर है, तो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, अब आ जाएगी।